नमस्कार, फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी मधुआ। तो आइए शुरू करते हैं प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी मधुआ को। जयशंकर प्रसाद, और प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी कौन सी चल रही थी अपनी? मधुआ कहानी चल रही थी। मधुआ कहानी अपन पढ़ रहे थे। हाँ, तो इस कहानी में अपन देख रहे थे कि सामान्यतः एक बालक होता है जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा होता है, एक शराबी होता है जो सामान्यतः शराब पीना, कहानियां सुनाना ही अपने जीवन का मकसद मानता है। जैसे ही कहानियां सुनाकर उसे जो भी प्राप्त होता है उसी से वह अपनी जीविका का निर्वाह कर देता है, अर्थात शराब पी लेता है और चने चबेना चबाकर बाकी के दिन गुजारता रहता है। ऐसे लगता है जैसे शराबी के जीवन का और कोई भी मकसद नहीं रह गया है। और ये शराबी है वो किसको कहानी सुनाता है, ये अपनों ने देखा था। ठाकुर साहब को कहानी सुनाता है और ठाकुर साहब लखनऊ में बेटा पढ़ता था तो उसके पास काफी बारे आ जाते थे। शराबी पिछली क्लास में अपनों ने देखा था कि शराबी ठाकुर साहब के पास लल्लू नामक जमादार को भेजने के लिए जाता है तो उस समय देखता है कि एक छोटा सा बालक रो रहा था, सुबक रहा था, उसको वह सहानुभूति दिखाता है तो वो सहानुभूति बच्चे के हृदय को छूती है और वह बच्चा शराबी के साथ साथ चल पड़ता है। मध्य रास्ते में आकर एक गली के पास थोड़ा सा शराबी रुकता है और जैसे ही रुकता है उसी समय उसे फिर से रोने की आवाज सुनाई देती है। अब फिर से कौन रो रहा है, फिर से रोने की आवाज सुनाई देती है, कौन रो रहा है? फिर से वही बालक, वही लड़का रो रहा है। अब शराबी पूछता है, अब तुझे क्या हुआ, अब तू क्यों रहा है, क्यों रो रहा है? तो उस समय वो बालक यूं कहता है कि मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह से भोजन नहीं किया। तो उस समय फिर उसके दिमाग में आता है, शराबी यूं सोचता है कि इतने बड़े आदमी की यहां काम कर रहा है और सुबह से भोजन तक नहीं किया, ये ही तो हमारे देश की विडंबना है साहब। हमारे हिंदी के एक मूर्धन्य कवि हुए हैं, वो लिखते हैं कि स्वानों को मिलता दूध वसन, भूखे बालक अकुलाते हैं। स्वान का शाब्दिक अर्थ होता है कुत्ता। कुत्तों को तो दूध, वसन का मतलब होता है वस्त्र या कपड़े, दूध और कपड़े तक मिलते हैं, लेकिन भूखे बालक अकुलाते हैं। हमारे देश में आज भी गरीबी और बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको दो वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। काश हम उनके बारे में भी सोच पाते, काश ये जो अपन व्रत त्योहार आदि मनाते हैं तो उस समय जो अपन बहुत ज्यादा खर्चा करने की सोचते हैं उस समय हम उन लोगों के बारे में एक पल के लिए सोच ले कि क्या पता आज के दिन भी कोई भूखा बैठा हो। तो इस प्रकार से ये हमारे देश की विडंबना है और इसी विडंबना का जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत ही सूक्ष्म और मार्मिक चित्रण यहाँ पर दर्शाया है। उसके बाद शराबी बालक को पकड़ता है और बहुत तेज गति से एक गली में चला जाता है और यूं लगता है जैसे वो घसीट कर उसको लेकर जा रहा है। जाता है एक झोंपड़ी और जिसका दरवाजा नहीं, नाम मात्र का कुछ उसके दरवाजे पर लगाया हुआ था। शराबी साथ में उस छोटे बालक को लिए हुए और यहां पर आता है तो वो पैर से धक्का देकर इस दरवाजे को गिराता है, अंदर की साइड गिर जाता है। अर्थात झोपड़ी थी, बहुत अच्छी गली भी नहीं थी, एक गंदी सी बस्ती थी, गंदी सी गली थी और उस गंदी बस्ती में एक ऐसी टूटी फूटी सी झोपड़ी बनी हुई थी और उसके अंदर जो बाहर दरवाजा लगा हुआ था वो भी टूटा हुआ सा दरवाजा था और उस टूटे हुए दरवाजे को अंदर की तरफ धकेल कर और शराबी उस बच्चे को अंदर ले जाता है। अंदर ले जाकर उसका हाथ छोड़ता है और छोड़कर और यहाँ पर एक माचिस की तिल्ली से एक ढेबरी जलाता है। अब देखिए ढेबरी नाम आता है
तो डेबरी अपन किसे कहते हैं, कोई मिट्टी का पात्र होता है जिसे अपन डेबरी कह सकते हैं। तो यहां पर अपन डेबरी का अर्थ दीपक लगा सकते हैं। यहां पर शराबी एक दीपक जलाता है सलाई से, दीपक जला के और फिर जो कपड़े पड़े थे ना उनमें से कुछ खोजने लगता है, और फिर एक जगह कंबल के नीचे से और कुछ एक छोटा सा टुकड़ा निकलता है। टुकड़ा किसका था? परांठे का टुकड़ा था। एक परांठे का टुकड़ा निकलता है और वो टुकड़ा उस बालक के हाथ में देता है, और हाथ में देकर कहता है तू इसे चबा, मैं अभी आ रहा हूं। बालक उसे ले लेता है, पकड़ लेता है और शराबी उसी तरह से जल्दी जल्दी बाहर निकल जाता है। आज शराबी के पास 1 रुपया है, ये अपन पिछले की पीछे पीछे की क्लास में देख चुके हैं। उसके पास 1 रुपया है, 1 रुपये में से 12 आने का तो आधा लेना है, 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी, नहीं 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 ऐसे करता हूं, मटर पनीर ले लेता हूं, मटर पूड़ी ले लेता हूं, नहीं मटर पूड़ी की तो क्या करूंगा, नहीं ऐसे करता हूं 4 आने का पूरे के पूरे का मांस खरीद लेता हूं। हाँ ले तो लेता हूं, पर एक वो नई बला भी तो है, उसका भी तो गड्ढा भरना है। अब उसको पता नहीं वो क्या खाएगा, कितना खाएगा, उसका कुछ पता तो नहीं है। पता नहीं कहाँ से बला हाथ में आ गई, कहाँ से बला सिर पे आ गई, क्या करूं क्या खरीदूं। और इस प्रकार से शराबी सोच ही रहा होता है, इतने में यूं लगता है कि उसके आंखों के सामने से बिजली कोंध जाती है और वो अपने आप को एक मिठाई की दुकान के आगे पाता है। यानी वो अपनी पसंद की चीज खरीदना चाहता था, मन यूं कह रहा था कि पसंद की चीज खरीदे, लेकिन यहां से जवाब नहीं आ रहा था, हृदय इस बात की गवाही नहीं दे रहा था कि तू तेरी पसंद की चीज खरीद, खा पी और आराम से रह। ये बात हृदय गवाही नहीं दे रहा था इस बात की। और हृदय ने क्या कहा, उसको कहां पे लाके खड़ा कर दिया, एक मिठाई की दुकान के आगे लाकर खड़ा कर दिया। और जैसे ही मिठाई की दुकान के आगे वो खड़ा हुआ, खड़ा होते हुए होते ही मिठाइयां खरीदनी शुरू की, मिठाई और मिठाई के साथ पूड़ी खरीदी, और पूड़ी के साथ साथ नमकीन भी खरीदना नहीं भूला। नमकीन खरीदा और पूरे के पूरे 12 आने वहां पर खत्म, और वहां पर पूरे के पूरे 1 रुपए का, और सॉरी वहां पर मिठाई पूड़ी नमकीन सभी चीजें खरीदता है, तो वहां पर वह पूरे के पूरे पैसे खर्च कर देता है। खर्च करके और दुकान से छूटते ही ऐसे निकलता है जैसे दौड़ कर जा रहा हो। अब दौड़ा हुआ और पहुंचता है, दौड़ा हुआ निकलता है, ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं उसको पहुंचने की कितनी ज्यादा जल्दी है। दौड़ा हुआ सजाकर झोंपड़ी में जाता है और झोंपड़ी में फिर आकर और दोने सजाता है। दोने का मतलब अलग अलग मिठाई अलग बर्तन में अलग से, या फिर जो जिन थैलियों में वो लेकर आया था दुकान से, तो उनको यूं अलग अलग सजा सजा कर और बालक के समक्ष रख देता है। बालक के सामने दोनों रख देता है और फिर यूं कहता है कि ले भरपेट खा और आज के बाद रोना मत। पाजी कहीं का रोता रहता है और मुझे भी रुलाने का, तो इस प्रकार से और कहता है। यानी शराबी के हृदय में ममता भरी हुई है और वो इस बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकता, तो इसलिए वो कहता है कि भरपेट खा ले और रोना मत। क्यों? क्योंकि रोने से मुझे सख्त नफरत है। वो यूं भी कहता है कि रोने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तू जल्दी से भरपेट खा ले। और यहां पर लेखक यूं लिखते हैं कि दोनों बैठकर इस तरीके से इतने प्रेम से भोजन करते हैं, यहाँ पर प्रेम से खाते हैं, ऐसे लगता है जैसे बहुत दिनों के बिछड़े हुए मित्र मिले हैं और आपस में साथ बैठकर प्रेम से खाना खा रहे हैं। तो दोनों बैठकर भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद शराबी मधुआ को मधुआ की तरफ देखता है, लेकिन मधुआ वहीं पर सीली जगह, सीली जगह का मतलब देखिए सीलन वाली जगह, सीलन वाली। देखिए सर्दियों में अपन देखते हैं कि घर में लगभग सभी जगह पर सीलन आ जाती है, और ये तो झोपड़ी थी वो भी टूटी फूटी, तो उसमें भी सीलन आई हुई थी। तो वहीं पर सीलन वाली जगह में ये बालक भोजन करता है, और भोजन करके और धीरे से शराबी का एक पुराना कोट पड़ा था, पुराना और बड़ा कोट था, उसको लेकर ओढ़कर सो जाता है।
ये सो गया, और जैसे ही ये सो गया तो शराबी भी अपना कंबल लेकर और सोता है। कंबल ऊपर लाता है और ऊपर लाने लगता है उसी समय वो अपनी झोपड़ी में नजर पसार कर देखता है। क्या देखता है? अपनी अपनी झोपड़ी के दारिद्र का वह प्रथम बार दर्शन कर रहा है। आज तक उसका ध्यान ही नहीं गया था कि उसकी झोपड़ी में कौन सी चीजें हैं, कौन सी नहीं है, कौन सी चीज की उसे आवश्यकता है, कौन सी चीज की उसे आवश्यकता ही नहीं है। उसको सिर्फ कहानियां सुनाकर पैसा मिलता था, और जो पैसा मिलता था उससे वह अच्छे से खाना खाता और मजे से शराब पीता और उसके बाद सो जाता था। जैसे ही दारिद्र्य को देखता है वैसे ही बड़बड़ाने लगता है, पाजी कहीं का, पता नहीं कहां से आया है, अब ये बला भी सिर लगनी थी, अब मैं क्या करूं, अब क्या इसका भी पेट पालना पड़ेगा, हे ईश्वर कभी सोचा भी नहीं था, ये नियति कैसे कैसे खेल दिखा रही है, क्या होगा अब, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, अब ये बच्चा क्यों आया, मैं सिर्फ और सिर्फ शराब पीता, आज तो शराब भी नसीब नहीं हुई, क्या मेरी शराब भी छूट जाएगी। और इस प्रकार से शराबी सोचता हुआ और एकदम से मधुआ की तरफ, उस बालक की तरफ देखता है। बालक की तरफ देखता है तो वैसे ही बालक की चेहरे की मासूमियत का दर्शन करता है। वो शराबी जैसे ही उसके चेहरे की मासूमियत का दर्शन करता है तो फिर उसके हृदय के अंदर ममता उमड़ आती है और वो यूं कहता है कि हे विधाता, इसकी सृष्टि किसी ने क्यों की, इसके साथ इतनी निर्दयता क्यों की, निर्दयता करने के लिए इसकी सृष्टि करके किसी ने इसको क्यों छोड़ दिया, क्यों इसको अनाथ बना दिया। देखिए ये होता है प्रेम भाव। यहां पर शराबी उस बालक के चेहरे को देखता है, उसकी मासूमियत को देखता है तो उसके हृदय के सारे भाव विचार बनकर उभर रहे हैं, और जिनको जयशंकर प्रसाद एक बहुत ही सुंदर रूप में पिरोते जा रहे हैं। तो जैसे ही यूं सोचता है और इस बालक के बारे में सोचता है, थोड़ी देर बाद यूं सोचता है कि अब मैं क्या करूं, फिर यूं सोचता है मुझे क्या पड़ी है, मैं इसके बारे में ऐसा क्यों सोच रहा हूं, मुझे क्या मतलब है, सुबह उठेगा बोल दूंगा कहीं चला जाए, मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, और ऐसे कहकर शराबी सो जाता है। और सुबह उठता है तो शराबी बैठा हुआ था और उसी समय बच्चा भी अंगड़ाई ले रहा है। और जैसे ही बच्चा अंगड़ाई ले रहा है तो शराबी यूं कहता है, क्यों रे खड़ा हो जा, तेरा नाम क्या है, खड़ा हो जा और जल्दी से कुछ खा ले और फिर यहां से चलता बन। शराबी की इस बात पर बालक कहता है, मेरा नाम मधुआ है और हाथ मुंह भी नहीं दूं, पहले ही खाने बैठ जाऊं और फिर जाऊं कहां ये भी बता दो। जैसे ही बालक यूं कहता है कि जाऊं कहां, उसी समय शराबी के हृदय में बिजली कोंद जाती है और उसके हृदय में एक अजीब सा भाव उमड़ कर आता है। उसके मन में यूं होता है कि कह दूं भाड़ में जा, मुझे नहीं मतलब, कहीं भी जा, लेकिन कह नहीं पाता। फिर यूं सोचता है कि अब करूं क्या। शराबी कुछ नहीं बोलता वहां पे, शराबी पानी पीता है और फिर पानी पीकर और यूं कहता है, देख रोना मत, आज के बाद कभी भी मत रोना, और मुझे रोने वालों से बहुत ज्यादा नफरत है, और ये कहकर पानी पीकर और झोंपड़ी से निकल जाता है। और झोंपड़ी से निकल रहा होता है उस समय शराबी के मन में फिर वही भाव आते हैं, फिर वो यूं सोचता है कि इसको कह दूं ले रहे यहीं पे, पड़ा रहे यहीं पे, मैं तो आज के बाद इस झोपड़ी में नहीं आऊंगा, बता करेगा क्या, परंतु कह नहीं पाता और वो वहां से निकल जाता है। अब निकल कर कहां जाता है, वहीं जाता है जहां पर शराबी अक्सर जाता था। कहां पे? गोमती के किनारे। जाकर गोमती नदी को देखता है, उसका सुख लेना चाहता है, और उसी समय थोड़ी सी धूप खिल उठती है।
तो उस धूप की गर्मी में सुख महसूस करने लगता है, वहीं पर बैठ जाता है। अब शराबी वहीं पर बैठ रहा है, शराबी झोपड़ी से निकलकर और जैसे जैसे गोमती के किनारे पहुंचा था, तब तक बहुत सी बातें सोच रहा था, बहुत से विचार उसके मन में आ रहे थे, बहुत से विचार उसके मन में जा रहे थे, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। उसे यही पता नहीं चला कि उसने क्या सोचा, क्या किया, कौन से विचार तक वो पहुंचा, कौन से विचार के बारे में उसने ज्यादा सोचा और कौन सा विचार था जो उसको आगे जाकर प्रभावित करेगा, उसे कुछ नहीं पता। उसी समय क्या होता है देखेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।